हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इट्स कृपाल सिंह, योर अकाउंटेंसी टीचर. हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड. सो एज यू नो, इन द लास्ट वीडियोज वी हैव सॉल्व क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 13. सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 फ्रॉम डी के गोयल बुक. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग राइट योर SR नंबर इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज write your feedback up to question number 13, how much you have got it from all the 13 questions. If you are not getting, then write no. If you are getting, then write yes. Okay, so now come to question number 14. See, question number 14 is X Limited purchased the running business of MS Mukherjee Bros. Kiska business kharida hai? आर लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा है मुखर्जी ब्रॉस का. दिस टॉपिक इज बेटा परचेस कंसिडरेशन. यू विल गेट इन योर बुक परचेस कंसिडरेशन टॉपिक इज दिस. ओके, फॉर ए सम ऑफ 60 लाख पेबल बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹40. 10 रुपये का शेयर था, 40 में बेचा, 30 रुपये क्या हो गया बेटा? दिस इज प्रीमियम. द असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन होगा, इन सच क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन योर माइंड द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन. ओके, एंड आफ्टर दैट हाउ मच असेट्स आर परचेस्ड एंड व्हाट इज देयर कॉस्ट. कितने असेट्स खरीदे जा रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, माइनस लाइबिलिटी कर देनी है. अगर असेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, परचेस कंसिडरेशन कम हो गया, तो कैपिटल रिजर्व जाएगा, 2 कैपिटल रिजर्व. इफ़ परचेस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इन दैट केस गुडविल अकाउंट विल बी ओपन एंड गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके, इज इट क्लियर? सो सी हाउ वी विल प्रिपेयर जर्नल एंट्री. सी, यू हैव टू डेबिट ऑल द असेट्स विच आर परचेस्ड बाई विच आर परचेस्ड बाई आर लिमिटेड फ्रॉम मुखर्जी ब्रॉस. ओके, सो ही परचेस लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज़ वाई बेटा राइट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 32 लाख. बिल्डिंग कितने की आई है? 32 लाख की. लिख लीजिए कॉपी में अभी. आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख. राइट इन अ कॉपी 16 लाख. स्टॉक वॉज परचेस फॉर 15 लाख, सो स्टॉक इज डेबिटेड बाई 15 लाख. Sundry debitors were debited by 6 lakh, so you will debit 6 lakh. Okay, now how much creditors are there when business was purchased? 4 lakh. So 4 lakh you have to write. After that total contract of business was of 60 lakh, so you have to write 60 lakh. Okay, now what I was saying, if debit side will be greater, the amount of debit side, the sum of debit item is greater, then you have to balance the figure by capital reserve. अगर हमारी ये साइड ज़्यादा हो जाती, ये कम हो जाती, तो हम लोग यहीं पे sundry debtors के नीचे goodwill account debit कर देते हैं. बात समझ में आ गई? आई एम रिपीटिंग अगेन, परचेस कंसिडरेशन हुआ है. अगर परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट यानी कि क्रेडिट साइड आपकी कम ज़्यादा हो गई, डेबिट कम हो गई, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. जब दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में जो दे रखा है कि अगर आपकी डेबिट ज़्यादा होगी, क्रेडिट कम हो गई, इन दैट केस यू हैव टू ओपन कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर बैलेंसिंग फिगर. ओके, एंड इन द नरेशन यू हैव टू राइट परचेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम मुखर्जी ब्रॉस. ओके, नाउ राइट इन आंसर इन कमेंट. क्वेश्चन इज इफ परचेस कंसिडरेशन अमाउंट इज ग्रेटर देन द असेट्स परचेस, एंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड. As well as write second question answer. When debit side is greater than the credit side, then which account will be credited? Write the answer of both the questions in comment section. Then we will move forward. Now see, mentioned business of Mukherjee Bros was for 60 lakh. 60 lakh kaya hai, ab 60 lakh debit kar denge. To equity share capital kitna ho jayega? 15 lakh. टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा? 45 लाख. ओके, क्यों हो जाएगा? देखिए, 1.5 लाख शेयर इशू करे गए थे, 10 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए? 15 लाख के हो गए. बाकी जो है 30 रुपये के हिसाब से 4.5 लाख आपका ये हो जाएगा. ओके, 4.5 लाख क्या हो जाएगा? आपका प्रीमियम हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो
हेयर हाउ वी हैव कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह से पता लग गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर आपको निकालना है तो जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है आप वो लिख लीजिए, दैट वाज 60 लाख, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए जो भी फिक्स्ड प्राइस है, 10 रुपये रेट है और प्रीमियम कितना है 30 है, तो टोटल कितना हो गया 40, 40 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 1,50,000, ठीक है, तो 150 × 10 करोगे 15 लाख, और 3 करोगे तो 45 लाख आ जाएगा। ओके इज इट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15, के लिमिटेड टू कोवर असेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500। ओके 25,500 वर पेड बाई इशूइंग प्रॉमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ पी लिमिटेड पेबल आफ्टर 2 मंथ्स एंड बैलेंस वॉज पेड बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ डेट ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव। देखिए के लिमिटेड से असेट्स खरीदे गए हैं कितने के, 15 लाख के, लाइबिलिटी खरीद थी उसमें 5 लाख की, और परचेस कंसिडरेशन कितने का हुआ 13,68,500 का। अब उसके आगे क्या होता है, 25,000 वाज पेड बाय प्रोमिसरी नोट दैट मींस बिल्स पेबल एंड रिमेनिंग वाज पेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने के सन्ड्री असेट्स है आप डेबिट कर दीजिए, सन्ड्री असेट डेबिट कर लिया 15 लाख, एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए, ये अभी कोई नहीं लिखेगा इस चीज़ को अभी आप देखिए मत बिल्कुल भी क्या लिखा है, अब लिखिए एक लाइन की जगह छोड़ के नीचे लिखिए टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ कितने होगी 5 लाख की, 5 लाख लिख दीजिए। बिजनेस खरीदने का खरीदा गया है 13,68,500 का, तो लिख देंगे 2P लिमिटेड 13,68,500, 13,68,500। नाउ सी वॉट एवर आई वॉज टेलिंग कि द बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड विल बी 18,68,000, ओके 500, एंड डेबिट साइड इज 15 लाख, सो 3,68,500 क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। ओके सो यू हैव टू ओपन नाउ गुडविल अकाउंट दैट इज फॉर बैलेंसिंग फिगर। ओके सो बोथ द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी, आई हैव एक्सप्लेन अबाउट कैपिटल रिजर्व लास्ट 14 एंड नाउ आई हैव एक्सप्लेन गुडविल। ओके नाउ परचेस कंसिडरेशन फ्रॉम पी वॉज ऑफ 13,68,500, सो पी लिमिटेड विल बी डेबिटेड 13,68,500, प्रोमिसरी नोट पेड फॉर 25,500, सो वी विल राइट 25,500। ओके आफ्टर दैट व्हाट हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग फ्रॉम 13,68,500, 25,500 विल बी सब्ट्रैक्टेड, 5,5 डिडक्टेड, 68 माइनस 60 माइनस 20 40, 8 माइनस 5 3, सो 43,000, 13,43,000 विल बी डिवाइडेड बाई 125। ओके सो वेन एवर यू विल डिवाइड देन यू विल गेट 10,744 इक्विटी शेयर्स। ओके 10,744 इक्विटी शेयर्स, नाउ 10 रुपीज, हाउ मच रेट इज देयर 100, देन वी विल मल्टीप्लाई बाई 100, वी विल गेट 10,74,500, एंड प्रीमियम वॉज ऑफ 25 रुपीज़, सो 10,744 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 25, देन इट विल बी 2,68,600। ओके सो इज इट क्लियर ऑल द थिंग्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी एक्स लिमिटेड इश्यूज 20,007% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, पेमेंट आर मेड 25 ऑन एप्लीकेशन, 46 ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल, द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वर रिसीव्ड ड्यूली एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो वेन कैश बुक इज सेइंग ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर कैश बुक, सो फर्स्ट मनी वी विल रिसीव फॉर एप्लीकेशन, सो वी विल राइट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट,
एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 18 बट ऑफर 20, सो आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 18 से ही करनी है। जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगी शेयर, आपको मनी तो उसी से मिलेगा ना। ऑफर आप कितने भी कर लीजिए, मान लो कंपनी ने शेयर कितने भी अलाउड कर दिए, पर जो खरीदेगा वही तो पैसा देगा। तो 18,000 लोगों ने खरीदे, 25 से एप्लीकेशन दी, 4,50,000 आ गया। अलाटमेंट दी उन्होंने 46 से, तो इट विल बी 8,28,000, ओके इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड आफ्टर दैट दे पेड फर्स्ट कॉल ऑफ 10, तो टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 1,79,000, ओके। सो टिल हियर हैव यू गॉट इट, 1,70,000। आफ्टर दैट फाइनल कॉल वॉज नॉट पेड बाई 100 शेयर्स, तो 18,000 क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी फाइनल कॉल का रेट है। फाइनल कॉल का रेट कितना है, द फाइनल कॉल रेट वॉज 25, ओके। सो यू विल मल्टीप्लाई बाई 25 एंड देन आफ्टर दैट 100 शेयर वर नॉट पेइंग, तो 2500 यू विल सब्ट्रैक्ट, देन इट विल बी 4,47,000। आप 18,000 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000 हो जाएगा। अब उसमें से 100 शेयर ने 2500 के हिसाब से 2500 नहीं दिए, आप माइनस कर दीजिए, तो इट इज़ 4,47,500, ओके। सो नाउ डेबिट साइड इज ग्रेटर, द सम ऑफ डेबिट साइड इज 19,04,500, सो हेयर वी विल एड बाय बैलेंस ईडी 19,04,500, ओके। नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, सो रेसिप्ट एंट्रीज वी हैव पास्ड ऑलरेडी इन द कैश बुक। अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो जो मनी रिसीव की एंट्री हैं, अगर आपने कैश बुक में ट्रांसफर कर दी है, तो देर इज नो नीड टू पास अगेन ऑल दोज एंट्रीज, ओनली वी हैव टू ट्रांसफर ड्यू एंट्रीज। तो फर्स्ट ड्यू एंट्री फॉर एप्लीकेशन, दैट इज 7% एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 450 एंड 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट इज 848 आउट ऑफ 18,000 एट द रेट 20, सो 2.7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 720 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 1,08,000, ओके। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल विल बी ड्यू 1,80,180, आफ्टर दैट फाइनल कॉल विल बी ड्यू, दैट विल बी 450, देन कॉल सिनेरियो वाज ऑन 100 शेयर्स, सो 2500 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड 1,000 ऑन फर्स्ट कॉल, ओके। सो टोटल एरियर वॉज 3500, दैट इज वाई 3500 विल बी डेबिटेड, ओके। सो इन वॉट एवर ट्रांसेक्शन शेयर होल्डर्स आर नॉट पेइंग मनी, इन दैट केस यू हैव टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड योर कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके। आई एम टेलिंग यू अगेन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ कैश बुक, देर इज नो नीड टू पास ऑल द रेसिप्ट मनी रेसिप्ट एंट्रीज, ओके। If you have prepared cash book, only pass due entries, okay. So I hope you have got it all the three questions whatever we have discussed in this video. If you have got it, like this video, comment your SR number for your presents, and define calls in arrear. Write the answer of calls in arrear in the comment section. Thank you students for watching this video. Bye bye, take care.